अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम इस्मतुल्लाह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द AIOU। आज की स्टूडियो के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तुलबा के लिए एक नहीं बल्कि दो अपडेट्स हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से शेयर की गई और हमारा फर्ज है कि आप तक वो अपडेट्स पहुंचानी हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट यह है कि तुलबा पूछ रहे हैं कि सर एम ए उर्दू की वर्कशॉप कब स्टार्ट होगी, एम ए इस्लामियात की वर्कशॉप कब स्टार्ट होगी, एम ए पाक स्टडी की वर्कशॉप कब स्टार्ट होगी, एम एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन टीचर एजुकेशन यानी कि मास्टर की वर्कशॉप यूनिवर्सिटी कब तक स्टार्ट करेगी। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये न्यूज आ चुकी है और मैंने आपको पहले भी अपडेट दे दी है कि मास्टर की जो वर्कशॉप है वो इंशाल्लाह 25 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने जा रही है। इस हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तुलबा को उनके यूजर नेम और पासवर्ड भी सेंड कर दिए। अगर किसी स्टूडेंट्स को अभी तक यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला तो वो अपने करीबी इलाके दफ्तर से राबता करे और उनसे यूजर नेम और पासवर्ड ले ले। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है और उन्होंने वो यूजर नेम और पासवर्ड डिलीट कर दिया है या वो वर्क नहीं कर रहा, तो इस ऐसे सूरत में भी आपने अपने करीबी इलाके से रब्ता करना है। वो आपको एलएमएस को अपडेट कर देंगे, फिर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे तो आपकी जो वर्कशॉप वाला लिंक है वो ओपन कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स को न्यू स्टूडेंट्स है उनको पता नहीं है कि वर्कशॉप किस तरह अटेंड कर रही है तो इस टॉपिक के ऊपर मेरी 7 मिनट का कंप्लीट कोर्स है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वर्कशॉप अटेंड करने से पहले आपने वो वीडियो लाजमी तौर पर कंप्लीट देख लेनी है। तो आप आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपनी दूसरी अपडेट के हवाले से। दूसरा जो मसला है वो बड़ा यूनिक सा मसला है। अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स के रिजल्ट के अंदर ऐसा शो नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा रिजल्ट के अंदर भी आ जाता है। आप काफी तुलबा को ये शो आ रहा है कि उनके रिजल्ट के अंदर R/L शो हो रहा है यानी कि रिजल्ट लेट, इसका मतलब होता है रिजल्ट लेट। ऐसे स्टूडेंट्स का क्या सलूशन है? ऐसे स्टूडेंट्स के 2 से 3 सलूशन है। पहला सलूशन ये है कि आपको अपने रीजनल ऑफिस से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उनको कंप्लेन दर्ज करवानी पड़ेगी, वो आपका रिजल्ट हो सकता है ठीक है जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। दूसरा मसला यह है कि रिजल्ट RL वाला जो इशू है इसके हवाले से एक एप्लीकेशन होती है वो आपने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को बाई पोस्ट सेंड करनी होती है जिसके ऊपर भी कम अज कम वर्क किया जाता है। उसके अलावा तीसरा सोल्यूशन यह है कि जो ऑथेंटिक सोल्यूशन है जो कि यूनिवर्सिटी वाले भी प्रेफर करते हैं रीजनल ऑफिस वाले भी प्रेफर करते हैं वो ये है कि जैसे स्टूडेंट जिनके रिजल्ट के अंदर R/L शो हो रहा है और अगले सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट ठीक नहीं हो रहा तो ऐसे स्टूडेंट्स को उन सब्जेक्ट का दोबारा से एडमिशन करवाना पड़ेगा, दोबारा से वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी। अगर होती है तो अगर दोबारा से असाइनमेंट अटेंड करनी पड़ेगी, दोबारा से पेपर अटेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। तो उम्मीद ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दोनों अपडेट्स आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत।